अरे राहुल, कल का मैच देखा? नहीं रे, मैं तो बाहर गया था दादी के साथ। अरे पंकज का रिजल्ट था ना? हाँ यार, था ना रिजल्ट। क्यों रे, तेरी उदास क्यों है? क्या आएगा, हर साल की तरह फेल। मतलब फिर से नए दोस्त बनाएगा? नए दोस्त तो बनाऊंगा ही रे, लेकिन तुम लोग के जैसे फ्रेंड साल में एक ही बार मिलते। बस कर यार, रुलाएगा क्या अभी? शायद जिंदगी में एक बार कभी रोना ही पड़ेगा। चल बे, हम लोग तो हंसेंगे। क्या दिल पे ले रहे, छोड़ ना, हो जाएगा पास। हाँ यार, सही कह रहे। छोड़ ना यार, दिल पे मत ले, छाती पे ले। चुप रे, आइटम के चमचे साले। चलो कहीं चलते घूमने। हाँ चल। हाँ इधर मैं फेल पे फेल होते जा रहा हूँ और तुम लोग को घूमने की पड़ी है। अरे एग्जाम तो बहुत बार आता है, घूमना तो एक ही बार मिलता है। शायद मेरा ये आखिरी घूमना फिरना हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एक आइटम पटाओ और उसके साथ ना सेक्स करो, जिंदगी का ना वही असली मजा है। ए क्या बोल रहा है तू, चूतिया है क्या? बोलना पास हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? सॉरी यार, एक काम करते हम लोग है ना, मेरे मामा के गांव चलते। ऐसा क्या है उधर? वहाँ पे है ना दो मकान है, एक नया और एक पुराना वाला। पुराना वाला जो है ना वो मस्त समुंदर के सामने, जहाँ पे अपना बैठने का प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ। और सैंडी तेरे लिए तो भाई मस्त हरियाली है उधर। बस क्या भाई, रही बात अपने खाने की, वो तो मामी को बोल के हम लोग मंगवा देंगे। अरे पर तेरे घर से भिजवाएंगे। हाँ। एक तो तेरा घर का रिजल्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है यार, उनको कैसे भी करके मना लेंगे, लेकिन मेरे को मामी को फ़ोन करके बताना पड़ेगा। मामी को फ़ोन करके बताऊंगा ना तो घर वालों को भी वो पटा देगी, मतलब टेंशन नहीं। चल जैसे तेरी मर्जी, पर ज़्यादा कुछ लफड़ा मत करना, किए करा पे पारी मत फेरना। एक तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में पानी की समस्या है, सेव वाटर। साले तेरी तो सड़ेला जोक साले, चल निकल। चल बहुत देर हुए, निकल दे। चल तुम लोग निकलो, मैं रुकता हूँ, मुझे सामान लाने दादी के साथ जाना है। कल मिल फिर। पक्का। चलो मिलते हैं। चल भाई, चल भाई। हाँ बोल। क्या? रुक रुक रुक, मैं आया। अरे उधर पंकज की दादी। अरे दादी जी, पंकज किधर है? उसके बाद बहुत कम वक्त बचा है, सो आप जल्द से जल्द उसके पैसों का इंतजाम कर लीजिए और एनजीओ से बात कर लीजिए, वो आपका सब जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो कर देंगे और आपको हेल्प भी हो जाएगी। अभी मिल सकते हैं? नहीं, एक काम दीजिए, आप सब मत दीजिए, एक एक जन जाइए, एक जन मिल उसके बाद मिल सकते हैं। दादी जी, हम लोग मिलके आते हैं।
दादा काका काकी मदत द्या, मदत करा। तुमचे 50 पैसे एकाचा जीव वाचू शकता। मदत करा, मदत करा। प्लीज मदत करा। अरे रुक रुक, क्यों डाल रहा है पैसा? ना इनके पास कॉलेज का आईडी है ना कुछ है। ये पैसे लेके पार्टी करेंगे, रात में दारू पियेंगे, ऐश करेंगे। बट आपको क्या करना है? वो दे रहे ना, उनकी मर्जी है। देखा आप ना, क्यों बोल रहे हो? सच बोला तो कैसे भड़का? आपको सच जानना है ना? रुको मैं बताता हूँ। ये आदमी हम लोग जब से स्टेशन से है तब से हमारे पैसे पे नजर रख रहा है। आपको सच देखना है तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हो वीडियो। क्या झूठ बोल रहे तू? क्या झूठ बोल रहा? अपने देश में इंसानी से ज्यादा पैसे को महत्व है। किसी की जान से ज्यादा पैसा जरूरी है। यहाँ पे आदमी पैसे से नहीं, पैसा आदमी को कंट्रोल करता है। चाहिए तुझे पैसे? बोल कितना चाहिए, ले लेके जा, ये ले। नहीं नहीं माफ कर दो, गलती हो गई। पैसे से ही गलती और पैसे से ही माफी। ये लो। इसे इंजीनियर से अभी 1,00,000 मिला है और 30,000 और एक्स्ट्रा है हमारे पास। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बच जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों का आभार कैसे मानूं। जी आप क्या बोल रहे हो? पंकज हमारा भी भाई है, तो फिर आप हमारी माँ जैसे हुई ना। वैसे भी सबसे ज़्यादा पराई मदद करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी हॉस्पिटल में जाके पंकज को बचाएंगे। हाँ आंटी आप चिंता मत कीजिए, हमें ना आप अपने से तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं। पंकज 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 भाई अपना भाई तो नहीं बच सका, पर इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो इंसानियत से नहीं पैसों के बदले से दम तोड़ते होंगे। पर भाई आज से अपना काम शुरू, ऐसे लोगों को पंकज के पास नहीं भेजेंगे। शपथ खाते पंकज, हम हमारे गरीब भाइयों और बहनों की देखभाल करेंगे, वादा करते हैं। बोलिए किसके नाम से डोनेट करना है? पंकज शुक्ला।